गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टर्टल्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स द पोर्टेबल वाटर। स्टूडेंट्स जो पोर्टेबल वाटर होता है इसका मतलब होता है वाटर को रिसाइकल करके दोबारा यूज करना। वाटर विच इज क्वालिटी गुड इनफ टू बी सर्व एज ए ड्रिंकिंग, ठीक है, वो वाटर जिनकी अच्छी क्वालिटी है उनको कहाँ यूज करते हैं, सर्व फॉर ड्रिंकिंग, इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वेदर इट इज यूज एज सच और नॉट, इट मस्ट बी रिलीज द मोस्ट पोल्यूटेंट, कैन बी नेवर एलिमिनेटेड। बट याद रखना बच्चे कि कुछ ऐसे पोल्यूटेंट भी होते हैं हमारे वाटर में, उसके लिए चाहे आप कैसे भी फिल्टर अपने घर में लगा लो वो रिमूव नहीं होता। सम मे बी कन्वर्टेड टू द लेस पोल्यूटेंट फॉर्म, ऑल्दो बॉइलिंग इज यूज टू रीड द वाटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट रिक्वायर लोट ऑफ द फ्यूल एंड वाटर कैन बी स्टिल कंटेन पार्टिकल, सो द फर्दर फिल्ट्रेटिंग विल बी नेसेसरी। अब देखो बच्चे, पहले क्या कहते थे कि पानी को बॉयल कर लो पी लो, तो बॉयल करने से होता क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो मर जाते हैं, बट कई सारे ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स उसमें रह ही जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, बट बॉयल करने से वो ख़त्म नहीं होता। उसके लिए बेटा हमें चाहिए हाई पावर फिल्टर्स। इसमें से एक बेटा कार्बन फिल्टर होता है, एक रिवर्स ऑसमोसिस होता है, एक नैनो फिल्ट्रेशन के बारे में इसमें नहीं लिखा है, बट आपको पता है आप यहाँ की पेप्सी पी लो, चाहे फॉरेन में जाके पी लो, चाहे कहीं भी पी लो इंडिया में या फॉरेन कहीं भी दुनिया में, आपको पेप्सी का टेस्ट सेम लगेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो क्या करते हैं, उसको नैनो फिल्ट्रेशन से उसमें से सारे मिनरल्स, उसका टेस्ट एक्सेट्रा सब निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है बाद में वो फिर अपने हिसाब से उसमें टेस्ट ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं कभी पेप्सी या कोक पीते हो तो उसका टेस्ट क्या होता है, सेम होता है। द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन कॉज डर्ट एंड डेब्रिस टू सेटल डाउन ऑफ द वाटर कंटेनर एंड मेक द वाटर विजिबल क्लियर। पहले क्या करते थे, क्लोरीन यूज करते थे किसको, वाटर को प्योरीफाई करने, ऐसे करते थे पानी में क्लोरीन मिलाकर छोड़ देते थे, क्या होता था कुछ घंटों बाद पानी प्योरीफाई हो जाता था, मतलब गंदा पानी उसके तली में जाके बैठ जाता था और जो पीने वाले थे ऊपर से छान लेते थे, ठीक है। बट हाउएवर द क्लोरीन इज हाईली टॉक्सिक ड्यूरिंग टू मच, पर याद रखना बेटा क्लोरीन भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है अगर हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, और अगर आपको नहीं पता कैसे इसको एक्चुअल में यूज़ करना है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इवन ये आपकी बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, हार्ट को भी काम करने से बंद कर सकता है। मॉडर्न मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन क्या है, देर इज अ वाइड रेंज ऑफ वाटर फिल्टर प्योरीफायर मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन अवेलेबल इन द मार्केट टूडे। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं कहूँगा, आप देवी तालाब जाओ, देवी तालाब मंदिर का जहाँ पे पहले नहाने के लिए मिलता था ना, वहाँ पे आप देखना इस टाइप के टैंकर्स लगे हैं। वो क्या करता है बेटा, उस तालाब के पानी को फिल्टर करते हैं, ठीक है, उसको इतना फिल्टर करते हैं ताकि उसमें जो रह रहे हैं मछलियाँ या तो एक्वेटिक जो लाइफ उसमें सर्वाइव कर रहे हैं वो रह सके जिंदा, ठीक है बेटा। देर इज अ वाइड रेंज ऑफ वाटर फिल्टर प्योरीफायर्स एंड द मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन अवेलेबल इन मार्केट टूडे। इन द रियलिटी देर इज अ नो सिंगल आर्टिफिशियल फिल्टर और ट्रीटमेंट डेट विल बी एलिमिनेट द मोर कंटेमिनेट। याद रखना बेटा, पर ऐसा कोई भी मेथड नहीं हमारे पास प्रेजेंट है जिससे हम पूरी तरह से वाटर को प्योर सके। टिपिकली मोस्ट हाई एंड सिस्टम यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्निक टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट। फिल्ट्रेशन अलाउ द, मतलब क्या बोल रहे हैं कि पर साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, कुछ सिरामिक कैंडल यूज होता है तो वाटर फिल्टर, ये कुछ ऐसे मेथड्स है जिससे क्या होता है वाटर मेनली ज़्यादातर फिल्टर हो जाता है। बट क्या है बेटा, ये जो प्लांट्स है ये काफ़ी एक्सपेंसिव, आप खुद सोचोगे इतना जगह ले रहा है, आप अपने घर में तो लगाने से रहे इसे, और अगर इसको मेंटेनेंस चाहिए रेगुलरली मेंटेनेंस, इसके साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है इसके पीछे, तो एक आदमी के लिए चाहे घर उसका बड़ा हो पर इसको लगाकर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल। फिल्ट्रेशन अलाउ क्या क्या करता है, सभी पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसमें उसको क्या करता है, मैकेनिकल और फिजिकली रिमूव कर देता है, ठीक है। मैकेनिकल फिल्ट्रेशन इज मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑन ए लार्ज स्केल, इट मे बी डन बाय द पासिंग द वाटर थ्रू ए क्लीन सैंड बेड। इसमें क्या करते हैं देखो, सबसे पहले क्या करते थे, एक सबसे मतलब जब फिल्टर्स नहीं होते तो लोग क्या करते थे, सबसे पहले क्या डालते थे, स्टोन के ऊपर कोयला के ऊपर क्या डालते थे, सैंड डालते थे, और फिर जब भी इसमें से पानी पास करते थे तो वो पहले सैंड में से, फिर कोयला में से, फिर स्टोन में से पास होकर, अब मानोगे नहीं बेटा पानी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं ऑन द स्मॉलर स्केल, ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसे साफ करते हैं, पानी को पास करते हैं किसमें से, क्लीन और सैंड बेड से, ठीक है बेटा। आपने
आपने वो चीज देखा होगा ना, आपने फिल्टर्स के अंदर देखा होगा ब्लैक कलर का गोला टाइप होता है, उसे कार्बन वैसे तो कहते हैं कार्बन, एक्चुअली में वो सैंड और कार्बन का मिक्सचर होता है। उसमें से जब वाटर पास होता है तो मेनली जो इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाती है। ऑन द स्मॉलर स्केल वेरियस फॉर्म ऑफ वायर्स मैश क्लोथ फिल्टर्स एंड ट्रीटेड पेपर्स यूज होते हैं, ठीक है। माइक्रो फिल्ट्रेशन वाटर इज थ्रू, अब बेटा आजकल जो आपके घर में फिल्टर लगाना है उसमें क्या यूज करते हैं, मैम्ब्रेन, उसकी पोर, उसके पोर्स, पोर्स मतलब छेद इतना छोटा होता है ना, वो सिर्फ वाटर को पास होने देता है, वो भी इतना छोटा तो सिर्फ वाटर को पास होने देता है और बाकी चीजों को क्या करता है, रोक लेता है, ठीक है बेटा। इसलिए हमें कहते हैं कि हर 6 मंथ बाद फिल्टर चेंज कराते रहना चाहिए, ठीक है। द टीनी पोर रिटेन कंटेमिनेट सच एज सस्पेंडेड, और मतलब जब भी इसमें से आप पास करते हो तो वो क्या करता है, उसमें से वाटर को सिर्फ पास होने देता है, बाकी चीजों को अपने अंदर फंसा लेता है। बट कैन नॉट ट्रैप सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल, बेटा बट उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। वो 1 माइक्रोमीटर तक के चीजों को ही अपने ट्रैप कर सकते हैं, मान लो कोई ऐसा जो इससे भी छोटा हो उसको वो नहीं पकड़ सकता। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आंसर टू, मतलब क्या है कि इसके बाद क्या है, अगर उसमें से वो एक मतलब 1 माइक्रोमीटर से छोटा कोई चीज है तो फिर वो पास हो जाएगा उसमें से, अगर उसको भी खत्म करना तो हमें यूज करना पड़ता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द माइक्रोबायोलॉजिकल फिल्टर कैंडल होता है, इसको मैं तो माइक्रोबायोलॉजिकल फिल्टर कैंडल बोलते हैं। विद इट्स ट्रिपल एक्शन प्रोसेस ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटरबॉर्न ट्रांसमिटेबल डिजीजेस, तो इसमें क्या होता है, ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाटरबॉर्न एंड ट्रांसमिटेबल डिजीजेस, मींस मतलब कई सारे बेटा प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन आप अगर पीलिया, आपने सिंपल मीनिंग में सुनोगे, अगर आप डर्टी वाटर कंटिन्यूस कंज्यूम करते हो तो आपको पीलिया हो सकता है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है बेटा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑफ द सिरेमिक ट्यूब स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉलिड पार्टिकल बैक्टीरिया टॉक्सिक एलिमेंट रिटेनिंग द हार्मफुल एलिमेंट आउटर साइड ऑफ फिल्टर, याद रखना बेटा। जो ऊपर मैंने बोला था कि ऊपर 1 माइक्रोमीटर तक चीजों को वो रोक पाता है, उसके बाद क्या यूज करते हैं, सिरेमिक वाला, ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, सिरेमिक वाला फिल्टर पेपर, सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स वाला सिरेमिक ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है बेटा। सब मतलब कि 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे चीजों को रोकने के लिए हम यूज करते हैं सब, मतलब एक तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, इसलिए वर्ड यूज किया, सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, जो बाकी फिल्टर नहीं रोक पाते हैं, ठीक है बेटा, और उसको बाहर ही रोक लेते हैं, ओके। इन द रिवर्स ओसमोसिस क्या होता है, एक सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन होता है, फिल्टर करता है सेपरेट ऑफ वाटर फ्रॉम द कंटेमिनेटेड सच एज टोटली डिजॉल्व सॉलिड। एक बेटा होता है रिवर्स ओसमोसिस सिस्टम होता है, उसे RO सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेमी परमेबल वर्ड का मतलब होता है कि कुछ खास चीजों को वो अंदर जाने देता है, बाकी क्या करता है, रोक लेता है, ठीक है बेटा, रोक लेता है। मेम्ब्रेन फिल्टर सेपरेट द वाटर फ्रॉम द कंटेमिनेट सच एज डिजोल्व सॉलिड, मतलब डिजोल्व सॉलिड वो चीजें जो आपके लिए हार्मफुल है, उनको उनकी टर्बिडिटी मतलब पानी बिल्कुल साफ ना हो, एसबीटोस होता है, लेड होता है, टॉक्सिक हैवी मेटल जिसमें रेडियम और मैनी डिजोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेटा एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है कि बाकी सभी चीजों को रोकता है सिर्फ पानी को छोड़कर, ठीक है बेटा। मतलब जैसे आपके घर के बाहर एक चौकीदार होता है, वो सिर्फ जान पहचान के लोगों को अंदर आने देता है, बाकियों को रोकता है, उसी तरह ये मेम्ब्रेन होता है। वाटर वर्क सप्लाई वाटर इन अर्बन एरिया, दिस सिविक इंस्टॉलेशन आर रिक्वायर्ड लॉ टू अडॉप्ट द सर्टेन स्टेप टू प्योरीफाई द वाटर इन ऑर्डर टू मेक पोर्टेबल। मतलब अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां भी अगर हम वाटर को सप्लाई करना है, वो भी पोर्टेबल वाटर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि वाटर को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर मतलब प्योरीफाई करे, तभी आगे सेंड करे। द स्टेप टुवार्ड्स द ऑब्जेक्शन स्टेज ऑफ स्टोरेज, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बरगा, देखो बेटा अर्बन जो एरियाज होते हैं वहां क्या यूज होता है बेटा, टैंक की यूज होता है। जैसे कि आप अपने आसपास देख लो, आपने देखा होगा या तो मोटर्स लगे हैं आसपास, या तो क्या करते हैं पानी को एक बड़े से टैंकी में स्टोर करते हैं, ड्यूरिंग विच 90% ऑफ कंटेमिनेटेड प्रेजेंट वाटर सेटल डाउन। और याद रखना बच्चे, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो पानी क्या करते हैं, रात को भर लेते हैं, रात को जब लोग सो जाते हैं ना फिर वो पानी भरते हैं। अब मान लो कि 12-1 बजे पानी भरना शुरू किया, इतने रात को कोई पानी यूज करता नहीं है, ठीक है, तो पानी भरने से होता है क्या, जो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तली में जाकर बैठ जाता है,
तो तली में जाके बैठने से क्या होता है कि आधा पानी तो वहीं साफ हो गया है, ड्यूरिंग विच 90% ऑफ जो 90% जो मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है तली में बैठ जाते हैं, और फिर बैठने से क्या होता है फिर वो हमारे पानी में नहीं आ पाता, मतलब 90% तो टैंकी में बैठ जाते हैं, फिल्ट्रेशन द नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस रिमूव करते हैं कंटेमिनेटेड, और लास्टली ठीक है बेटा फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं उसको फिल्टर करते हैं, जो थोड़ा बहुत रह गया वो ही फिल्टर करते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ रह गया तो उसको फिर एक आरओ प्रोसेस होता है या कुछ मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं उनमें, ठीक है बच्चे, तो उनसे भी वो बाकियों को साफ कर लेते हैं, ठीक है। लास्टली बिफोर सप्लाई द वाटर डिसइंफेक्टेड ट्रीटिंग विद क्लोरीन, तो वो क्या करते हैं लास्ट में क्लोरीन डालते हैं। आपको अगर क्लोरीन वाला पानी पीना दिल्ली चल जाओ, कोई टैप वाटर पी लो, इतना गंदा टेस्ट लगेगा ना, वो क्यों लगता है बिकॉज उसको सब टैंकी में डालने के बाद फिल्टर करने के बाद उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, ठीक है। क्लोरीन ओजोन और अल्टीमेटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करते हैं, दिस मेक्स द वाटर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑडर टेस्ट और माइक्रो। बेटा ये ऑडर वाला तो मैं नहीं मानूंगा बिकॉज दिल्ली का पानी मैंने पिया हुआ, बहुत गंदा टेस्ट आता उसका, जबकि वहां पे ये सब चीज यूज करते हैं फिर भी, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है आज, थैंक यू फॉर टुडे, ये आपने खुद कर लेना, इजी है, ठीक है।